हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं रवि, आप सब लोगों का इस करंट में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार लोग जल्दी जल्दी सब लोग फटाफट से उनको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पेन कॉपी पेन से लेकर बैठ जाइए। जरा डिस्कस करेंगे सारे के सारे तमाम करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आज और कल के न्यूज में जो रहे हैं, और इसके अलावा सारी की सारी चीजें। क्या चला रहा है? म्यूट करना वहां, म्यूट करो वहां। चलिए भाई, एक बार सब लोग फटाफट सेशन को शुरू कर दीजिए। सब लोग गुड मॉर्निंग, ठीक है। डिस्कस करेंगे सभी के सभी तमाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके अलावा पेन कॉपी पेन से लेकर बैठ लीजिए, क्योंकि दो या तीन चीजों का पोस्टमार्टम करेंगे। ऑब्वियसली हर क्लास के अंदर किसी न किसी एक स्टेट का या कोई ना कोई एक शहर का या कोई ना कोई देश का हम पोस्टमार्टम डिस्कस करते हैं। मतलब उसमें जितनी भी सारी चीजें जो 2022 में न्यूज में रही उनका एक बार सबका एक बार रिकैप ले लेते हैं, और उसके बाद जो भी कोई नया इंपॉर्टेंट या कोई भी स्ट्रेटेजी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी इसके साथ साथ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप सब लोगों को सबसे पहले कनेक्ट हो जाना है किसके साथ में, एग्जाम्पल की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन उसके साथ में। क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर पे आपको जाना है बेटा। प्ले स्टोर पे जाकर वहां पर आपको जो है एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल जैसे ही आप लिखोगे तो वहां पर जो है आपको क्या कर लेना है, अपने आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है ओपन करने के बाद उसको आप रजिस्टर कर लोगे अपने आप, ठीक है ना। जब रजिस्टर करोगे तो कुछ ऐसी सी एक विंडो ओपन होगी आपकी। यहाँ पर ऊपर जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे जो है वो कोर्स जो होते हैं, ठीक है ना। उस कोर्स में आपको जिस भी टाइप का, जैसे मान लो कि अभी केबीएस में आई है ना, टीचिंग की वैकेंसी आई है, डिफेंस में आई है, ठीक है ना। तो डिफेंस या कोई भी पोर्शन हो उसको वहां पर सिलेक्ट करके और उससे रिलेटेड पेड कोर्स, इसके अलावा जॉब अलर्ट्स, और मेरा जो सबसे फेवरेट सेगमेंट जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यहाँ पर जो क्विज वाला जो सेक्शन है, इस क्विज वाले सेक्शन को रोज अटेम्प करा करो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 5-6 क्विज मिल जाएंगे आपकी रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको दिया करो, ठीक है ना। स्पीड बढ़ेगी, पता लगेगा कि कौन सा सेक्शन जो है आपका वीक है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कल का एक बार होमवर्क देख लेते हैं कि सर हेडक्वार्टर ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI जिसको हम बोलते हैं, तो हेडक्वार्टर ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका जो है वो मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा बेटा? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है बेटा? डेविड मालपास हो जाएंगे। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि वर्ल्ड बैंक कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर? ये दो चीजें बता दीजिए कि कौन से ईयर में वर्ल्ड बैंक आया था, ठीक है ना, और हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं द रूम ऑफ द रूफ, अगर बात करें, ठीक है ना, द रूम ऑफ द रूफ की बात करें तो, ठीक है, नीचे टाइटल में क्या चल रहा है, सीडी से कौन संभालता है, भाग में के बनाते हैं क्या तुम लोग, क्या कमेंट, ये टाइटल ज्योग्राफी ऑफ द सीडीएस पे, इसका मुझे पता नहीं इवेंट किसने बनाया। द रूम ऑफ द रूफ के बारे में बात करें तो ये किताब हो जाए बेटा, एक उपन्यास हो जाएगा। किसका उपन्यास हो जाएगा बेटा? याद रखना द रस्किन बॉन्ड है ना, रस्किन बॉन्ड का आपको उपन्यास हो जाएगा। बखेरा वन्य जीव अभयारण्य जो कहां का हो जाएगा, तो याद रखना बेटा बखेरा वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा कहां पर? यूपी में। और इसको हाल ही में जो है वो रामसर साइट चुना गया बेटा। क्या चुना गया था इनको? हाल ही में रामसर स्थल चुना गया था, रामसर स्थल चुना गया था इसको, ठीक है ना। क्या चुना गया बेटा? रामसर स्थल इसको चुना गया था, ठीक है, बिल्कुल। नियति सिंह जैन सर आज भी क्लास नहीं होगी क्या? क्यों नहीं हो रही मैम? आज हो रही है ना क्लास आपकी, ठीक है ना। CDS CAPF वाले चैनल वाले जितने भी सारे लोग हैं, क्लास हो रही है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो बता दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लास दो जगह चल रही है। एक बार आपके कमेंट मुझे यहाँ पढ़ने पड़ेंगे और एक बार कमेंट मुझे वहां पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई इशू हो तो बिल्कुल अपनी चीज लिखिए और एक दो इमोजी से साथ में सेंड कर दिया करिए, ताकि मुझे पता लग सके, ताकि मैं देख सकूं कि हाँ भाई क्या चीज चल रही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। टोगरिया महोत्सव बहुत बार पूछा जाता है फेस्टिवल, CDS में, FCAT में, आपका इसके अलावा NDA में बहुत बार पूछे गए हैं फेस्टिवल। तो टोगरिया फेस्टिवल जो है वो कहां पर बनाया गया? याद है ना, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया।
जोग्रेब जो है वो किस देश की राजधानी हो जाएगी, तो क्रोएशिया की वो राजधानी हो जाएगी जोग्रेब, ठीक है ना। पम्बन ब्रिज आपको पता ही हो, पम्बन जो है वो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। और 4 मार्च को जो है हम हर साल क्या बनाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 से 12 क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, यही आपके एयरफोर्स XY ग्रुप के अंदर, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, नेवी के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इनको अगर लगातार बेसिस के ऊपर आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भाई इसके अलावा हमें और कोई टॉपिक जो है ना वो करना ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं दहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको पता होगा दहिंग पटकई, ठीक है ना। रायमोना अभी हाल ही में असम में जो है एक और नया राष्ट्रीय उद्यान ऐड हुआ था, तो दहिंग पटकई और रायमोना दोनों याद रखने बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, असम के अंदर हो जाएगा। सरस्वती महल आपका अगर बात है तमिलनाडु में, शंकर देव कला क्षेत्र जो है वो एक संग्रहालय हो जाएगा जो गुवाहाटी के अंदर है आपका, ठीक है ना। और चंद्रशेखर नारायण स्टेडियम आपके तिरुवनंतपुरम केरला में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप सब लोगों को जुट जाना है गुरुड़ बैच के साथ में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई बैच नहीं है, है बहुत अच्छा है, आप उसको कंप्लीट कीजिए। उसमें जो भी कोई डाउट सेशन है आप अपने जूम मीटिंग सेशन अपने टीचर्स के साथ में लगवाइए। मान लो कि किसी कारणवश नहीं लग पा रहा है, आपके पास टोल फ्री नंबर, आप बताइए कि सर मुझे इस चीज में डाउट है और रिगार्डिंग फैकल्टी से मुझे बात करनी है। बहुत सारी चीजें हैं, वही बात है कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, वर्दी लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है ना। इसके लिए आप जुड़ सकते हो 1499 में जो है आप एनडीए के साथ में, देन 1199 में आपको जुड़ सकते हो एयरफोर्स XY, ठीक है ना। 1199 में आप जुड़ सकते हो नेवी कोस्ट गार्ड के लिए और इंडियन आर्मी 999 के अंदर, ठीक है ना। कोड जो आपको यूज करना पड़ेगा वो EWD50 यूज करना पड़ेगा। चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन जो है, इसके अलावा जीके जीएस के अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ठीक है ना, स्टैटिक जीके, साइंस के क्वेश्चन आपको जो एनडीए सीडीएस और एफकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सुबह 8 बजे मतलब इसके अगले बार अगली क्लास में जो है एग्जामपुर हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर पर आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। चलो ये वाली चीज जो है, किस किस ने झंडा खरीदा हुआ, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि ये क्या चीज है ना। क्या भारत में सशस्त्र झंडा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, बताइए जरा। वेन इज द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, बताइए जरा। भारत में आर्म्ड फोर्स जो फ्लैग जो है वो डे कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए जरा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए अविशा चौधरी जाट सर, 1944 में हो जाएगा एस्टाब्लिश अमेरिका वॉशिंगटन हेडक्वार्टर हो जाएगा जी मैडम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शाबाश, ठीक है। तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो है वो बेसिकली 7 दिसंबर को बनाया जाता है, याद रखना 7th ऑफ दिसंबर को बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के अंदर क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के अंदर ये होता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस की जो फ्लैग्स हैं या हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो छोटा वाला जो संस्करण जो होता है, छोटा वाला जो बेसिकली अगर बात करें तो कह सकते हैं फ्लैग जो है वो खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, ताकि जो भी अमाउंट उस फ्लैग से इकट्ठा हुआ उसके बाद में वो जो मार्टियर फैमिली है, जो शहीदों के परिवार हैं, उनके कल्याण के रूप में लगा सके। तो इसलिए जो है हम क्या बनाते हैं, नेशनल आर्म्ड है ना, नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे बनाते हैं, याद रखना जरा, ठीक है ना। हम बात करें तो इसके लिए कमेटी का गठन हुआ था, याद रखना 28 अगस्त 1949 में इसके कमेटी गठन होता, तब से जो है हम ये बना रहे हैं, याद रखना। इसके अलावा जो हमारा जो फ्लैग है उसका डायमेंशन आपको पता होगा, फ्लैग का लेंथ टू हाइट का है ना, लेंथ टू हाइट का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2। अगर बात करें, सबको पता है कि हमारे जो सबसे बड़ा खादी का जो है, सबसे बड़ा खादी का झंडा जो है, सबसे बड़ा खादी का झंडा, खादी का जो फ्लैग जो है वो कहां पर, आपके जैसलमेर में, याद रखना बेटा, जैसलमेर में जो है लहराया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ठीक है ना, तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है ना। तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था, इतना सा आपको याद रखना है। बाकी फोर्सेज की आपको पता ही होगी कि सीडीएस कौन है हमारे, कोई बताएगा जल्दी से, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगर बात करें, बताइए हमारे जो है वो सीडीएस कौन हो जाएंगे, सेकंड नंबर के सीडीएस जो है, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या नाम हो जाएगा, जल्दी से बता दो क्या नाम हो जाएगा फटाफट एक बार। Someone makes a big comment. भाई ये तो YouTube बताएगा कि अगर आप बड़ा कोई कमेंट करते हो तो YouTube बताएगा कि YouTube क्यों नहीं पहुंचा, ठीक है ना।
जल्दी से बताओ जरा फटाफट, क्या नाम हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अनिल चौहान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अनिल चौहान हो जाएंगे, अनिल चौहान। और कल ही हमने, है ना, कल ही हमने जो है हमारे फर्स्ट जो सीडीएस थे, कल ही के दिन जो है दुर्घटना हुई थी, याद है ना, हमारे फर्स्ट सीडीएस को कल हमने लॉस किया था, जनरल विपिन रावत जी, ठीक है ना। तो विपिन रावत जो है, रावत जी जो है, विपिन रावत जो है, उनका अगर बात करें तो कल ही के दिन ही जो है वो आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था 8 दिसंबर को, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है सर? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली के अंदर जो है आपका नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, उसने क्या किया? उसने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस बनाया। क्या बनाया उसने? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस बनाया है। बताइए कब बनाते हैं? इंटरनेशनल चीता डे एंड वाइल्ड कंजर्वेशन डे, ठीक है ना, कि वन्य जीव संरक्षण को का दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो है, इनमें से कब मनाया गया? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बताइए। ड्रीमर फॉर्सर क्यूट शेरनी सिर्फ 4 दिसंबर को, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सर नोट कर ले भाई, नोट कर लो। और क्या यहां पर क्या ढोल लगाट बजाने के लिए आ रखे? क्या ऑब्वियसली नोट कर। हाँ जनरल विपिन रावत जी, चलिए ठीक है। तो बात कर लेते हैं बेटा, याद रखना जरा। तो कब? तो याद रखना जरा सर, 4 दिसंबर को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 4 दिसंबर को सर बनाया जाता है, याद रखना सर, कब बनाया जाता है? 4 दिसंबर को जो है वो हमें क्या बनाया? चीता दिवस बनाया 4 दिसंबर, ठीक है ना। अब यहां पर एक छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि 4 दिसंबर को बनाया गया पहली बार, पहली बार कब बनाया गया? तो पहली बार बनाया गया बेटा 2010 में, 2010 में पहली बार बनाया गया, ठीक है ना। आप कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड लोयन डे, इससे रिलेटेड ही हो जाएगा। वर्ल्ड लोयन डे के बारे में बात करें, ठीक है। विश्व शेर दिवस जो है आपको याद रखना 10 अगस्त को बनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे जो है वो कब बनाया जाता है, तो 29 जुलाई को बनाया जाता है, ठीक है ना। इन्हीं की कैटेगरी का होता है वर्ल्ड जैगुआर, है ना, जैगुआर अगर बात करें, ठीक है ना। वर्ल्ड जैगुआर डे अभी अभी बनाया हमने, कब? 29 नवंबर को बनाया वर्ल्ड जैगुआर डे, ठीक है ना। तो ये चारों चीजें जो है इससे रिलेटेड अगर बात करें, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे 29 अगस्त नहीं होगा राहुल, 29 अगस्त नहीं होगा टाइगर डे, 29 अगस्त नहीं होगा बेटा। 29 अगस्त को क्या हो जाएगा? 29 अगस्त को क्या हो जाएगा? ये एडिशनल चीजें मैं बता रहा हूं, लिखते रहना। हाँ 4 दिसंबर को नेवी डे भी होता है। हाँ भाई ये सबके लिए, अग्निवीर के लिए होगा, किसके लिए? सबके लिए ये क्लास, ठीक। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, किसी भी, अब किसी में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कोलंबिया में भारतोलन विश्व चैंपियन में किसने ज्यादा पदक जीता है? पतिरा, कोलंबिया के अंदर जो है वो वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। तो पहली बात तो क्वेश्चन यही आपसे पूछा जा सकता है कि पतिरा की वेटलिफ्टिंग, है ना, वेटलिफ्टिंग की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित की जा रही है? तो कोलंबिया में आयोजित की जा रही है, वहां पर जो है सिल्वर मेडल जीता है, किसने जीता है पतिरा? बिल्कुल सही, 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे, नो डाउट। पैन डार्क करो, ओके ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। मीरा भाई चानू आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? मीरा भाई चानू जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा मीरा भाई चानू। तो किसके द्वारा? तो याद रखना बेटा, मीरा भाई चानू के द्वारा, मीरा भाई चानू जो है उसके द्वारा जो है, उनके द्वारा जो है, याद रखना जरा, ठीक है। कोलंबिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कोलंबिया की राजधानी, तो कोलंबिया की राजधानी क्या हो जाएगी? बोगाटा। और पैसो जो है वो क्या हो जाएगी? पैसो बोल दे, पीसो बोल दो, ये वहां की क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी, याद रखना। तो कोलंबिया की राजधानी क्या हो जाएगी? बोगाटा जो है कोलंबिया की राजधानी हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ मीरा भाई चानू आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब मीरा भाई चानू जो है वो कहाँ कहाँ न्यूज में रही, एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। मीरा भाई चानू अगर बात करें तो इनको जो है वो स्पोर्ट्स स्टार, है ना, स्पोर्ट्स स्टार जो है,
सन ऑफ ईयर मिला है, याद रखना ऑब्वियसली कौन सी वाली कैटेगरी मिलेगा, फीमेल, इनको जो है बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है याद रखना जरा। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो है वो रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल। इसके अलावा CWG 2022 कॉमनवेल्थ गेम जो बर्मिंगम में हुए, वहां इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अभी 36वें राष्ट्रीय खेल हुए, वहां पर अगर बात की इन्होंने गोल्ड मेडल जीता कहां पर, गुजरात में, ठीक है। लेकिन यहां तक किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो पूछिए। ठीक है ना, यहां भी एक चीज याद रख लीजिएगा, 49 kg, यहां भी एक चीज याद रख लीजिएगा 49 kg। इसके अलावा एडिडास और एमवे की ये ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, एडिडास और एमवे की ये ब्रांड एम्बेसडर रही है, इतना सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये भी पता होना चाहिए सर ये कहां से आती है, तो याद रखना मणिपुर से आती है। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो पूछिए। ठीक है, हाँ 49 kg में ही जीता। चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गई ये वाली चीज, नो इशू, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो सीडीएस वाले, ठीक है, सीडीएस में जितने भी सारे लोग देख रहे हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो, क्योंकि सारी चीजें ऐसे ही डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। पहले तो आप लोग एक ही हुआ करते थे, सीडीएस भी एग्जाम को सब 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 चीजें सब एक ही चलता था, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। किस राज्य ने स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कार्यक्रम स्टार्ट किया है किस राज्य ने, बताओ। खेल को बढ़ावा देने के लिए लोग खेल में ज्यादा है उसके लिए, ठीक है ना, बताओ किस राज्य ने शुरू किया। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ फटाफट आंसर, बताओ फटाफट किसने स्टार्ट किया। केरला है क्या, नहीं केरल नहीं हो जाएगा, नहीं हरियाणा भी नहीं होगा, अरे केरल नहीं है, केरल या हरियाणा देखो मुझे पता यही बोलोगे। चलिए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, अरे भाई क्यों हो जाए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए भाई केरल में तो चलो ठीक है, केरल तो कहीं से मेरे को लगता भी नहीं है, ठीक है ना। हरियाणा तो ऑलरेडी खेलों के मामले में आधे मेडल तो हम लोग ही ले आते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश याद रखना जरा, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा, लखनऊ हो जाएगी, लखनऊ। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे, ठीक है ना। लखनऊ को क्या कहा जाता है, सिराज ए हिंद कहा जाता है, नवाबों का शहर,
नवाबों का शहर कहा जाता है? सिराज ए हिंद कहा जाता है? कभी कहीं जौनपुर को भी बोला गया है ये वाली चीज, सिराज ए हिंद, ठीक है ना? आपके सीएम जो हो जाएंगे वो योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ। अब फटाफट मुझे यूपी बता दो, जहां जहां आपको खबरों में याद है। फालतू के कमेंट मुझे नहीं देखने चाहिए यहां पर, ठीक है ना? यहां पर मुझे खालतू कमेंट नहीं, मुझे सिंपल सी बात है, 2022 में जहां जहां आपको यूपी याद है वो सारा का सारा, ठीक है ना, वो कमेंट बॉक्स में मुझे दिखना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे और आपकी गवर्नर जो है वो सबको पता है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए। तो यूपी कहाँ कहाँ न्यूज में है, तो यूपी में याद रखना जरा, 53rd टाइगर रिजर्व आया, याद रखना नाम रानीपुर, रानीपुर टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपोर्टेंट है। तराई हाथी अभ्यारण आया है, नया तराई हाथी अभ्यारण। ठीक है ना, मतलब तराई एलिफेंट रिजर्व, जिसको हिंदी में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना? इसके बाद बात करें तो पहली महिला है, पहली महिला पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर नाम बता दो क्या था, जल्दी से बताओ, पहली महिला पुलिस कमिश्नर का नाम बताओ फटाफट, पहली महिला पुलिस कमिश्नर का नाम बताओ जल्दी से फटाफट। इसके अलावा आयुष्मान उत्कृष्ट, कार्ड में पहले नंबर पर। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना? इन दोनों में जो है वो पहले नंबर पर कौन रहा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला, उत्तर प्रदेश को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला, उत्तर प्रदेश को मिला, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, नेशनल वोटर अवार्ड। एक राट फॉर द आर्म फोर्सेस, यूपी प्रयागराज न्यू सेटअप लॉन्च, ठीक है। इसके अलावा अभिशमन, ठीक है, ये लिख लिया सबने, बता जरा फटाफट क्या क्या बता रहे तुम लोग। हाँ, जल पुरस्कार टॉप रहा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पंजीकरण में, गणतंत्र दिवस की झांकी में पहले नंबर पर रहा, सब्जी के उत्पादन पहले नंबर पर रहा, पोर्ट टैक्सी जेवर एयरपोर्ट। ऋतिक भाई बहुत पुरानी चीजें बता रहे, बहुत पुरानी चीजें। हाँ, लक्ष्मी सिंह हो जाएगी, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, लक्ष्मी सिंह। मैं जानना चाह रहा हूं यूपी हाल ही में कहां पर, ठीक है ना? चलो और देखते हैं, फटाफट बताता हूं और कहां कहां न्यूज में, ठीक है ना? भारत के 21वें रक्षा मंत्री, 21वें रक्षा मंत्री याद रखना जरा, और 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के सीएम, ठीक है ना? क्योंकि कौन, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह का निधन हो गया, याद रखना जरा, ठीक है? 21वें रक्षा मंत्री, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत याद रखना जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना? उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर, उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर नोएडा में, योटा करके कुछ था, याद रखना जरा, ठीक है ना? मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मथुरा वृंदावन 2041 तक क्या बना दिएगा, कार्बन न्यूट्रल बना दिया जाएगा, कार्बन न्यूट्रल बना दिया जाएगा मथुरा वृंदावन को 2041 तक, याद रखना जरा। 2023-24 में, ठीक है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पर होंगे, याद रखना। अगला वाला संस्करण 2023-24 वाला कहां होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, याद रखना, कहां पर होगा, कहां पर होगा, यूपी में होगा, ठीक है ना? पहले वाले कहां हुए थे, उड़ीसा में हुए थे, दूसरे वाले कहां हुए थे, बेंगलुरु में हुए थे, जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था, याद रखना जरा, कर्नाटका के अंदर, ठीक है ना? ठीक है, और तीसरे कहां हुए, थर्ड ये जो आपका 2023-24 वाला कहां पर होगा, आपको याद रखना जरा, ठीक है ना? इसके अलावा आपको याद रखना है, ठीक है ना, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक बोल दिया, नाम देखो फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों बनाया जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट इसलिए बनाया जाता है
ताकि जो लंबित मामले हैं वो जल्दी से, जो केस पेंडिंग है फास्ट ट्रैक में भी लंबित मामले, देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें भी लंबित मामलों में पेंडिंग केस में भी पहले नंबर पर है फास्ट ट्रैक भी। अच्छा देखो फास्ट ट्रैक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ताकि जल्दी से जल्दी फैसला सुना सके, और उसमें भी जो पेंडिंग मामले उसमें भी क्या है टॉप पर है, मतलब ये तो गजब वाली बात होगी, ठीक है ना। ठीक है चलिए, इसके बाद अगर बात करें तो आपको पता होगा, इसके बाद आपको पता होगा ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ई अभियोजन पोर्टल जारी किया गया है, ठीक है ना, क्या जारी किया गया, ई अभियोजन पोर्टल, ठीक है ना। इसके अलावा भाई आपका जो क्या बोलते हैं भरतोल था, भरतोल गांव जहां अगर बात करें तो आरओ वाटर, जहां पर आरओ वाटर यूज करते हैं हर घर वाले, भरतोल गांव बरेली में हो जाएगा, ये इतना सा आपको याद रखना है ठीक है ना। तेरा एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य ठीक है ना, जिस राज्य में 13 एक्सप्रेसवे हैं, ठीक है ना, यूपी जो है वो पहला राज्य बन जाएगा जिसमें कितने हैं 13 अगर बात करें तो, ठीक है ना। भारत का पहला अमृत सरोवर कहां पर, रामपुर में, भारत का पहला अमृत सरोवर ठीक है ना, कहां पर रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर, सबको पता होगा ठीक है ना, भारत का पहला अमृत सरोवर कहां पर हो जाएगा, रामपुर में हो जाएगा, याद रखना ठीक है ना। ठीक है, स्कूल चलो अभियान है, स्कूल चलो संभव पोर्टल, याद रखना एक पोर्टल और है संभव पोर्टल, एक और हो जाएगा स्कूल चलो अभियान, कौन सा अभियान बेटा, स्कूल चलो अभियान। ये सारी की सारी खबरें किससे संबंधित हो जाएगी, यूपी से संबंधित हो जाएंगी ठीक है ना। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है ठीक है ना। हाँ, बिल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ अमृत सरोवर, खेलो इंडिया गेम, आत्मनिर्भर किसान योजना, सुरक्षा योजना, फर्स्ट अमृत सरोवर, रामपुर, ठीक है ओके, लिखो जरा ये सारी की सारी चीज। हनी प्रोसेसिंग वैन भी आप याद रख लीजिए गाजियाबाद के अंदर, गणतंत्र दिवस में झांकी में पहले नंबर पर रहा था, आपको याद रखना है, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को जो है ठीक है ना रामसर स्थल घोषित किया गया है, याद रखना जरा। जेवर हवाई अड्डा ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में टॉप पर, रोपवे सर्विस वाला पहला हो जाएगा नोएडा में, पहला आपका अगर बात करें तो ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, नोएडा में पहला टावर लगा है ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहां बनेगा, नोएडा में बन रहा है, लेदर पार्क कहां बन रहा है, कानपुर में बन रहा है, ये बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जो मैं आपकी मतलब पिछली वाली क्लास में मैं लिखवा चुका हूं, ये नया वाला है, ये नया कंटेंट है सारा का सारा, ये सारा का सारा नया कंटेंट ठीक है ना। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पुराने वाली खबरों ठीक है ना, कि नोएडा में जो है वो पहला स्मोक टावर लगा यूपी का ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें तो आपका टॉप रहा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पंजीकरण में, इन सब मामलों में कंगना रनावत जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उसकी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है ठीक है, ये सारी की सारी पोर्ट टैक्सी स्टार्ट हुई है। इसके अलावा जयवर एयरपोर्ट का जो है वो निर्माण किया जा रहा है, वो सारी की सारी चीजें, कुशीनगर नया एयरपोर्ट बना है, वो सब जो है आपकी खबरों में मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं बेटा ठीक है। मैं हो जाता हूं साइड में, हो रहा हूं साइड में, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से फटाफट, उसके बाद फिर आगे अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, है ना। फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है ठीक है, कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल बनाया गया है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होगा ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कंगना रनावत, तो भाई मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें करवा चुका हूं, कुछ पन्ने पलट लेना पिछले वाले जहां पर मैंने लास्ट टाइम यूपी का पोस्टमार्टम करवाया होगा ठीक है। हर एक चीज को हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी है कोई भी चीज तो पूछ लीजिएगा। अगला, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म में स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है, बतेरा, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है, बतेरा,
माँ की शेरनी तुम कहां से हो? अरे वो कहीं से भी तो बेटा, तो पढ़ लेना। हाँ चल, बिल्कुल सही। ट्रिपल आर को मिला है, याद रखना जरा। किसको मिला है? तो ट्रिपल आर को मिला है, याद रखना जरा। और यहीं पर अगर आपका इन्हीं की डिग्री अगर बात करें तो निर्देशक अगर बात करें तो राजमौली साहब, SS राजमौली को अगर बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर है ना, बेस्ट निर्देशक जिसको बोलते हैं, उनका अगर बात करें तो उनका अवार्ड भी उनको मिला है, याद रखना। बेस्ट निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड SS राजमौली साहब को मिला है। और हॉलीवुड क्रिकेट क्रिटिक्स एसोसिएशन के द्वारा किस फिल्म को जो है स्पॉटलाइट अवार्ड जीता गया है, मिला है, तो याद रखना ट्रिपल आर को मिला। बिल्कुल सही। हाँ ये तो तुम लोग तुरंत आंसर दोगे। हाँ चल अगला। 4 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में फटने वाले ज्वालामुखी का नाम क्या है, बताओ। तो 4 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटा है, उस ज्वालामुखी का नाम क्या हो जाएगा, बताइएगा जल्दी से, बताओ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इंडोनेशिया जिसकी पुरानी राजधानी जो हो जाएगी वो जकार्ता, और नई जो हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, नुसंतारा हो जाएगी, नुसंतारा। इंडोनेशिया की मुद्रा जो है, इंडोनेशिया की मुद्रा, बता दे रहा क्या हो जाएगा, मेरापी। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगी, रुपया। और राष्ट्रपति जरूर याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि भाई अभी हम गए थे, याद रखना जरा, राष्ट्रपति तो जोको विडेडो, जोको विडेडो याद रखना भाई साहब, जरूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी इंडोनेशिया के अंदर 17वीं G20 खत्म हुई है, ठीक है ना, और हमेशा जो है उस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसको क्या करता है, उसकी मेजबानी करता है। तो जो को वीडियो आपने देखी हो, आपने देखा होगा, हर एक इंसान से मिल रहा था G20 के जितने भी सारे लोगों से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए तो बात करते हैं इंडोनेशिया, पुरानी राजधानी जकार्ता, नई राजधानी नुसंतारा, मुद्रा हो जाए रुपया, प्रेसिडेंट हो जाएंगे जोको विडोडो। अच्छा कहां कहां न्यूज में रहा, तो अभी थर्ड तीसरी G20 शेरपा मीटिंग हुई है, याद रखना, शेरपा मीटिंग, G20 शेरपा मीटिंग जो है वो कहां पर हुई सर, आपकी इंडोनेशिया में हुई मीटिंग, ठीक है। इसके अलावा 17वां अगर बात करें तो G20 2022 जो है वो भी कहां पर हुआ सर, इंडोनेशिया के अंदर हुआ, वो भी कहां हुआ सर, इंडोनेशिया के अंदर हुआ है, याद रखना जरा, ठीक है ना, इंडोनेशिया के अंदर हुआ, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा थॉमस कप, सबको पता होगा थॉमस कप क्या होता है बेटा, किससे संबंधित होता है, बैडमिंटन से, किससे संबंधित होता है बेटा, बैडमिंटन से संबंधित होता है। किसने जीता है, इंडिया ने जीता है, किसने जीता है, इंडिया ने जीता है, हराया किसको, हराया जो है वो किसको हराया, याद रखना, इंडोनेशिया को हराया, इंडोनेशिया को हराया था, याद रखना था। अभी हाल ही में 39th कॉर्पेट कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज हुई बेटा, कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज हुई किसके साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, इतना सा आपको याद रखना है, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। अभी हाल ही में 3rd एडिशन हुआ किसका, समुद्र शक्ति का, याद है ना बेटा, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भी किसके साथ में होती है, इंडोनेशिया के साथ में। तो थर्ड एडिशन की समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भी अभी भारतीय सेना की हुई किसके साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र, सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र, ठीक है ना। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो भी अगर बात करें तो कहां पर आएगा बेटा, याद रखना, इंडोनेशिया में आएगा, इतना सा आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। अभी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स हुआ था, विश्व दानकर्ता अगर बात करें, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में बेटा कौन टॉप पर रहा, याद रखना सर, कौन टॉप पर था सर, इंडोनेशिया टॉप पर था, इंडोनेशिया टॉप पर था। और भारत की रैंकिंग कितनी रही थी बेटा इसमें, तो भारत जो है वो 14th नंबर पे रहा था,
याद है ना बेटा, भारत कौन से नंबर पर रहा था? 14th नंबर पर रहा था। इतना सा आपको याद रखना है, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। हाँ, अब वहां पर जो है थॉमस कक के बाद उबर कप हो जाता है। उबर कप वो महिलाओं वाला हो जाएगा बेटा, उबेर बोल दीजिए, उबर बोल दीजिए, उबेर कप बोल दीजिए या उबर कप बोल दीजिए। ये किसने जीता था बेटा? ये जीता था दक्षिण कोरिया। किसने जीता था? दक्षिण कोरिया ने जीता था। ठीक है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताइए जरा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ वोल्केनो दैट इरप्टेड इन इंडोनेशिया ऑन दिसंबर 4, 2022? मैं अभी भी वेट कर रहा हूं आप सब लोगों के आंसर के। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं, आपको नहीं पता तो माउंट सिमेरो, जिसको जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माउंट सिमेरो, ठीक है ना? याद आना बेटा कहां पर, माउंट सिमेरो, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ओवर कप किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। थॉमस कप भारत ने जीता 75 साल के बाद में, इंडोनेशिया को हराया। 39 कॉर्पोरेट एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई। तीसरी समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता और सौर संयंत्र कहां पर आएगा? इंडोनेशिया में है। वर्ल्ड गिवी इंडेक्स में टॉप पर आया इंडोनेशिया, भारत रहा 14 नंबर के ऊपर। थर्ड G20 शेरपा मीटिंग हुई। 17वीं G20 2022 की कहां पर हुई? इंडोनेशिया में। 2023 वाली तो अपने यहां पर होने वाली ही है, ठीक है। जोको विडोडो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए बेटा, राष्ट्रपति जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन, किस मेट्रो ने सबसे लंबे डबल डेकर वाइडेड मेट्रो का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बनाया है? तो लगभग लगभग 3.5 किलोमीटर का ये रास्ता हो जाएगा, जिसके अंदर जो है नीचे सड़क है, सड़क के बाद ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के साथ में जाती हुई मेट्रो, ठीक है ना? नीचे सड़क है, फिर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के साथ में से जाती हुई मेट्रो, ऐसा करके जो है वो वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। याद रखना जरा, किस मेट्रो ने? याद रखना बेटा, नागपुर मेट्रो ने। किस मेट्रो ने बेटा? नागपुर मेट्रो ने। नागपुर को जो है, इसको क्या कहा जाता है? संतरों का शहर कहा जाता है, संतरों का शहर नागपुर को कहा जाता है, संतरों का शहर, ठीक है ना? और यहीं पर जो है आपको याद रखना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट मिलेगा, भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट मिलेगा आपको, याद रखना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और नागपुर से जो सांसद हो जाएंगे वो हो जाएंगे नितिन गडकरी। कौन हो जाएंगे? नितिन गडकरी साहब, नितिन गडकरी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, है ना? सड़क मंत्रालय जिनके पास है, याद रखना जरा, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है नागपुर मेट्रो ने जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। नागपुर बराबर चीकू चीकू सीएम राजपूत, अच्छा जी, ठीक है। चल आगे बात करते हैं, क्या बोला गया है? सर, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करता है। उत्पाद का नाम क्या है? मतलब समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए एक डिवाइस बनाया है, किसने? आईआईटी मद्रास ने। उस डिवाइस का नाम बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना? और क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो CDS, FCAT और ND, ये तीनों जो है ना अपने जो है यहां पर कान खड़े कर लो, लिख लो फटाफट, चिपका लो। इस क्लास का PDF कहां से मिलेगा? इस क्लास का PDF मिलेगा @MajorSahab PDF टेलीग्राम चैनल के ऊपर, @MajorSahab PDF। CDS पे जितने सारे देख रहे हैं वो लोग भी समझ लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को, उसको टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना, लिखना है @MajorSahab, जो आपकी पता ही होगी स्पेलिंग, और उसमें PDF लिख देना, साहब, SAHAB साहब। चलिए ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दो जल्दी, लाइक भी कर दिया करो भाई साथ साथ, ठीक है। सिंधुजा वन, याद आने बेटा क्या नाम हो जाएगा? सिंधुजा वन जो है आपका नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, जितने भी सारे लोग बोल रहे हैं, है? कोई नहीं बोल रहा ऑप्शन D, तो कोई नहीं बोल रहा है? हाँ, मंजीत बोल रहे हैं एक CDS के ऊपर, ठीक है। गौर हुसैन अंसारी भाई, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना? बाकी थोड़ा बहुत अच्छा तो मैं ही पढ़ा लेता हूं, अंसारी साहब, थोड़ा बहुत तो मैं भी अच्छा पढ़ा लेता हूं, ठीक है ना? रिकॉर्ड है 3-3-6 CDS का रिकॉर्ड है, इस क्लास में से आपके आए हैं, भले ही मैं CDS नहीं पढ़ाता हूं फिलहाल,
पिछले 1 साल से, बट सीडीएस के जितने भी सारे 20-22 क्वेश्चन आते हैं इस क्लास से आते हैं, और बड़ा गर्व फील होता है। और विद स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे UP SSC PET, चाहे कोई भी एग्जाम, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो कौन सा हो जाए बेटा, सिंधुजा वन जो है, तो याद है बेटा क्या सिंधु, सिंधु मतलब ये सिंपल सी बात है यार, सिंधु समुद्र का ना, समुद्र को सिंधु बोला जाता है, हिंदी थोड़ी बहुत अगर आपको आती हो तो। सिंधुजा वन कौन, याद है बेटा, IIT मद्रास, IIT मद्रास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए किस देश को वित्तीय पोषण करेगा। अगर ये एनवायरमेंट से संबंधित नहीं होता तो इस खबर को मैं नहीं रखता, पर इस खबर को रखना पड़ा क्योंकि ये एनवायरमेंट से संबंधित हो जाएगी, और आज की डेट में एनवायरमेंट वाली न्यूज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की, सीडीएस की, एफकेट की, है ना, और एनडीए की, तो वहां पर एनवायरमेंट थोड़ा सा जो है सेंसिबल इशू बन जाता है। बताइए चले, अभिषा चौधरी सर, सरगुरु जी सीडी स्टार्ट कर दो। तो बेटा ये क्या चीज है, चलिए बिल्कुल सही, सीडीएस का ही पढ़ा रहा हूं भाई, सारी की सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश आपका सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश क्या हो जाए बेटा, आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक अभी हमने डिस्कस किया था, वर्ल्ड बैंक बनेगा, वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर बताओ जरा, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर सबको पता है, हेडक्वार्टर कहां हो जी सर, वॉशिंगटन DC में हो जाएगा। हेड कौन है सर, तो डेविड मालपास हो जाएंगे, बात करें बांग्लादेश सर, बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी सर, ढाका हो जाएगी, टका जो है मुद्रा हो जाएगी, शेख हसीना प्रधानमंत्री है सर, अब्दुल हामिद सर राष्ट्रपति हैं, मैनामती मैत्री सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए बड़ी इंपोर्टेंट है, मैनामती मैत्री, बोंगो सागर, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, और एक और होती है जल्दी से बताओ कौन सी होती है, चार एक्सरसाइज होती है ना, बताओ जरा, मैनामती मैत्री होगी, बोंगो सागर होगी, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज होगी, एक ऐसे है फटाफट बताओ जरा कौन सी एक्सरसाइज है। अच्छा अगर मैं पूछूं क्या, कैराट, CARAT, कैराट और कोप साउथ, ये दोनों हो जाएंगी बांग्लादेश की और यूएसए की एक्सरसाइज, बांग्लादेश और यूएसए की एक्सरसाइज हो जाएंगी। राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करें तो कबड्डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कबड्डी, ठीक है। संसद हो जाएगी जातीय संसद, संसद का नाम क्या हो जाएगा, जातीय संसद हो जाएगी, जातीय संसद हो जाएगी, हाँ बिल्कुल सही, संप्रति एक्सरसाइज, कौन सी, संप्रति एक्सरसाइज, ठीक है लिखिए। अरे सिम्बेक्स कहां से हो जाएगी, अब इसे चौधरी सिम्बेक्स जो है वो किसके साथ में होती है बेटा, सिम्बेक्स जो होती है वो सिंगापुर के साथ में होती है, जो भी सिम्बेक्स लिख रहे हैं, सिम्बेक्स जो है सिंगापुर के साथ होती है, सिंगापुर इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, सिंगापुर के साथ, एक होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र, एक हुई अग्निगौर्य, ये तीनों किसके साथ में होती है, सिंगापुर के साथ में होती है। रिपीट सर प्लीज, ओके, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक ईयर हो जाएगा 1944, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर, डेविड मालपास हो जाए,
कैराट, CARAT, कैराट एक्सरसाइज और कोप साउथ, ये दोनों एक्सरसाइज बांग्लादेश और यूएसए के बीच में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कैराट। पर बट बात करें कॉर्पेट, कॉर्पेट जो है वो भारत की थाईलैंड के साथ में भी थी, इंडोनेशिया के साथ में भी थी, बांग्लादेश के साथ में थी। तो कॉर्पेट हो जाएगा, बोंगो सागर हो जाएगा, मैनामती, मैत्री हो जाएगी और संप्रति, ये चार एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी टका, सॉरी ढाका राजधानी, मुद्रा हो जाएगी टका, शेख हसीना प्रधानमंत्री, अब्दुल हामिद राष्ट्रपति, राष्ट्रीय खेल कबड्डी हो जाएगा और जातीय संसद जो है वहां की संसद का नाम हो जाएगा। ठीक है, ब्लर दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा, ब्लर दिख रहा है तो आप एक बार चेंज कर लीजिए अपना उसके, ठीक है, डायमेंशन को। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आपका अगला क्वेश्चन, एक बार लाइक कर दो फटाफट, खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदलता है, समझ में आ रहा है ना क्या कहना। कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने बताया था कि जनवरी सपने दिखाता है और दिसंबर आईना दिखाता है। कल मैंने क्या बताया था, जनवरी जो है वो सपने दिखाता है और दिसंबर आईना, और खुद को बदल लो क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, और साल के साथ साथ लिख देना आदमी भी बदलता है, और आदमी भी दोनों आते हैं, लड़के और लड़कियां, समझ में आ रहा है, तो दुनिया बदलती है बेटा, खुद को बदल लो। तो खुद को बदलोगे, देखो, डिसाइड करो, सोचो, हमसे हेल्प लो, डिस्कस करो कि कहां पर दिक्कत आ रही है, अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, ठीक है। चल कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी मैं बता रहा हूं, मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को दे रखी है, बात करो, पूछो, डिस्कस करो, ठीक है ना, टेलीग्राम आईडी मैंने दे रखी है, टोल फ्री नंबर आप सब लोगों के पास है, ठीक है ना, टोल फ्री नंबर आप सब लोगों के पास है, डिस्कस करो, ठीक है। चलिए अगला, बदलने के लिए आप लोगों के पास एक ऑप्शन और भी है, ठीक है ना, गुरुड़ फाउंडेशन बैच आप इसको ज्वाइन कर सकते हो 1499 में आप, ठीक है ना, एनडीए 1 के लिए, एयरफोर्स एक्सपायर्स के लिए, नेवी कोस्ट गार्ड के लिए 1199 के अंदर आपको मिल जाएगा, और बात करें तो इंडियन आर्मी के लिए आपको 999 में जो है ये आपको मिल जाएगा, मिलेगा तब जब आप कोड वर्ड यूज करोगे ईडब्ल्यूडी, एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर 50, ईडब्ल्यूडी जो है आप 50 कोड वर्ड यूज करोगे तब, ठीक है। आदमी हर साल नहीं, हर रोज नए नए, आगे क्या लिखा है पाखी मैडम, आदमी हर साल नहीं, हर रोज नए नए दिखाता है सर, पता नहीं क्या बीच में क्या लिखा, एक बार समझ में नहीं आ रहा। जीके जीएस 8 बजे, इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं हिस्ट्री के बहुत भयंकर क्वेश्चन, भयंकर मतलब समझ लो ना, बढ़िया वाले एक नंबर के। चलिए ये सारी के सारी टाइम टेबल आपका हो जाएगा, 6 बजे करंट की वोकैब की क्लास, फिर 7 बजे करंट की, फिर की 8 बजे इंग्लिश की है, 9 बजे आपकी मैथ की है, 10 बजे फिजिक्स की, 11 रीजनिंग की, 12 बजे मैथ की, और 1 बजे जीके जीएसई क्लास, ठीक है। चलो भाई साहब ये देखो जरा, है ना, अपने अंदर अगर टैलेंट हो तो देखो जरा क्या क्या बोला गया, बंदे ने एक सीजन के लिए, बंदे ने एक सीजन के लिए 2.5 साल का होगा 200 मिलियन यूरो प्रति ईयर, प्रति सीजन जो है डिस्कस, ईयर नहीं प्रति सीजन, अगर एक साल में 2 सीजन अगर खेल रहा है भाई साहब तो 400 मिलियन यूरो, लियोनेल मेसी, मोहम्मद सलाह, नेमार या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बता दो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, ठीक है, काबिल बनाओ, काबिल सच बता रहा हूं, और भाई मैं बोलता हूं सच बता रहा हूं, पैसा ही सब कुछ चीज होती है भाई साहब आज की डेट में, भाई तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और बस लिखा हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना क्रिस्टियन, अरे तुम कहां पर मोहम्मद सलाह पे बैठे हो भाई साहब, रोनाल्डो रोनाल्डो, ठीक है ना, क्लब का नाम जरूर याद रखना बेटा, अल नस्तर, क्लब का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, अल नसर, याद रखना बेटा, क्लब का नाम क्या हो जाएगा, किस क्लब से जुड़ा हुआ है, तो अल नसर, अल नसर से जुड़ा हुआ है, याद रखना जरा, कहां का हो जाएगा सर, सऊदी अरब का हो जाएगा, सऊदी अरब,
सऊदी अरब सर करेंसी क्या हो जाएगी? सर रियाद वहां की राजधानी है और रियाल वहां की मुद्रा है, रियाल वहां की क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी, ठीक है ना, रियाद वहां की कैपिटल हो जाएगी, अल नसर, ठीक है ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हो जाएंगे बता दो फटाफट, कहां से हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कहां से हैं, ठीक है ना, जल्दी से बताओ। लियोनेल मेसी को अभी हाल ही में बायजूस ने, बायजू ने जो है ग्लोबल ग्लोबल जो है वो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ये कहां से हो जाएंगे? अर्जेंटीना से हो जाएंगे सर। कहां से? अर्जेंटीना, ब्रूनस आयर्स जो है, ब्रूनस आयर्स और पेसो जो है वो क्या हो जाएगी? वहां की राजधानी हो जाएगी। कहां से है? जी सर पुर्तगाल से हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। लियोनेल मेसी कहां से है बेटा? सबको पता होना चाहिए कहां से है सर, पुर्तगाल से। कहां से है? पुर्तगाल से है। राजधानी क्या हो जाएगी सर? यूरो जो है वहां की मुद्रा हो जाएगी, और राजधानी सर लिस्बन, लिस्बन जो है वहां की राजधानी हो जाएगी बेटा, लिस्बन वहां की क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस दूर संचार प्रमुख ने घोषणा की है कि उसने भारत के डिजिटल पृथ्वी तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए मेटा प्लेटफॉर्म के साथ में सहयोग किया है? मतलब ये है कि इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमने मेटा के साथ में समझौता किया है, ये किस भारतीय टेलीकॉम्युनिकेशन कंपनी ने कहा है? इस क्वेश्चन का मतलब ये हो जाएगा, बता जरा फटाफट। पंकज कुमार, हाँ दिल बिल बेटा संभाल के रख लो, हाँ तुम कहाँ, तुम किस किस को बांटते फिर रहे हो? अभी भी कई लोगों ने लाइक नहीं कर रखा, पता नहीं क्या दहेज वहेज में लेके जाएंगे, क्या करेंगे, बता दो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बेटा क्या हो जाएगा आपका सही आंसर जो हो जाएगा सर, वो हो जाएगा एयरटेल। क्या हो जाएगा? एयरटेल। एयरटेल ने जो है वो मेटा के साथ में, मेटा मतलब फेसबुक, ठीक है, क्या लिखोगे? एयरटेल साइंड एमओयू, एमओयू, और क्या लिखोगे? डिजिटल इकोसिस्टम के लिए, डिजिटल इकोसिस्टम किसके साथ में? सर मेटा के साथ में, बस। इसके अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, इसके अलावा आपको कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। टाइम हो गया, बता दिया करो भाई साहब कि सर टाइम हो गया है क्लास का, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन फटाफट, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। फ्रीडम एट द मिडनाइट पुस्तक के लेखक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो याद रखना बेटा ये हो जाएगी डोमिनिक्यू लेपरिया। तो डोमिनिक्यू लेपरिया साहब ये कहां से हैं? फ्रांस से हैं, ये फ्रांसीसी हैं बेटा, ठीक है ना। इन्होंने किताब लिखी थी फ्रीडम एट मिडनाइट, इन्होंने किताब लिखी थी कौन सी? फ्रीडम एट मिडनाइट जो है उनका, अगर बात करें तो उनका क्या हो गया बेटा? उनका निधन हो गया, याद रखना, ठीक है, ठीक है। डोमिनिक लेपरी के फ्रांसी थे, इन्होंने लिखी फ्रीडम एट द मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय, भारत के ऊपर किताब लिखी सिटी ऑफ जॉय, तो दो किताबें लिखी थी, इनका निधन हो गया, ये फ्रांस के थे। सिटी ऑफ जॉय भी इन्होंने लिखी थी, और याद रखना फ्रीडम एट मिडनाइट बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये घोट कर पी जाओ, खासकर सीडीएस एफ कैट और एनडीए वाले, ठीक है ना, दोनों अगर बात करें। डोमिनिको लेपरी, अगला क्वेश्चन, भारत की जो कंपनी है एचसीएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है एचसीएल, जो बेसिकली रक्षा उपकरण बनाती है, हमारे डिफेंस जो है ना वो बेसिकली अगर बात करें तो चीजें बनाती है, इसके इसके पूरे विश्व में जो है टॉप 100 कंपनी जो डिफेंस कंपनी, उसमें कौन सी रैंकिंग रही बताइए? मेरी क्लास में टाइम भाग जाता है, हाँ ये तो है। पवन सिंह गुड मॉर्निंग, बड़ी जल्दी गुड मॉर्निंग हो रही पवन सर, लेफ्टिनेंट सूरज सिंह, सर सूरज सिंह मिल गया ना, पता लगे ना सुबह 7 बजे, बिल्कुल रिपोर्ट कर देना, ठीक है ना। तो 42वें नंबर पे बेटा, याद रखना 42वें नंबर पर। तो यहां पर देखो, देखो बेटा भारत की दो कंपनी, यहां पर याद रखना भारत की दो कंपनी बेटा, एक तो एचएल, एक तो एचएएल, भारत की जो कंपनी है कौन सी बेटा? एचएल, जिसकी स्थापना बेटा 1940 में हुई,
हेडक्वार्टर एचसीएल का बेंगलुरु में, कहां पर है? बेंगलुरु में हेडक्वार्टर हो जाएगा। और भाई साहब इसके हेड जो है वो आर माधवन है, बहुत बार लिखवाया मैंने, आर माधवन, ठीक है ना। तो ये एक तो ये कंपनी रही, एक तो ये कंपनी बेटा याद रखना कौन से नंबर पर रही है, एचएल कौन से नंबर पर रही है, 42वें नंबर पर रही है, ठीक है ना। 100 में से एक कंपनी और है बेटा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है ना बेटा, याद रखना। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, बीएल की हेडक्वार्टर, अगेन अगर बात की तो कहां पर है बेटा, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। और टॉप टू में दो ही थी, ठीक है ना, दिनेश कुमार बत्रा बेटा, कौन? दिनेश कुमार बत्रा, दिनेश कुमार बत्रा, दिनेश कुमार बत्रा, ठीक है ना, दिनेश कुमार बत्रा। इसकी रैंकिंग कौन से नंबर पर है बेटा? इसकी रैंकिंग नहीं, 63rd नंबर, कितने नंबर पर? 63rd नंबर पर, याद रखा जाए। तो एचएल जो है वो 42वें नंबर पर रहा और बीईएल जो है वो 63rd नंबर पर रहा। भारत की दो कंपनियां टॉप 100 जो प्रोड्यूसर कंपनी है रक्षा मामलों में, वो आपकी जो है उसमें दो रही हैं, याद रखना जरा, ठीक है। जिंदगी 0 किलोमीटर, वाह तुम्हारी खत्म होगी बेटा, कतर 2022, ये देखो ऐसा, कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड की ट्रॉफी का अनावरण कौन करेगा, मतलब उसको अनवील कौन करेगा। अभी तक ट्रॉफी आई नहीं है, वो ऐसी दिख रही है बस, पर उसका उसको अनवील कौन सा कौन करेगा बताओ। जिंदगी तो ये होनी चाहिए, ठीक है, बता दो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अहमद जी आपने जो बैच बताया था वो टी के लिए वो है क्या? नीति सिंह बेटा अपनी एग्जाम्पल की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। 18 दिसंबर को, याद रखना बेटा, 18 दिसंबर, जगह होगी कतर, याद रखना कतर, और फीफा फाइनल होगा, क्या होगा? फीफा फाइनल 18 दिसंबर को, याद रखना, फीफा फाइनल। और कहां पर होगा, कहां पर होगा ये याद रखना बेटा, कहां पर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, होगा सर लुसेल स्टेडियम में, कहां पर? लुसेल स्टेडियम में होगा सर, लुसेल स्टेडियम में। और उसकी ट्रॉफी का अनावरण करेगी दीपिका पादुकोण, कौन थी? अभिनेत्री, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। और भाई साहब जो उद्घाटन समारोह था, उद्घाटन में उसमें हाय गर्मी, नोरा फतेही, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बिल्कुल, रणबीर की भूख रही सर, कौन से रणबीर जी? चलो, 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया बेटा, आपको याद रखना। महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो आपका कौन सा था? 67th हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा? 67th हो जाएगा, याद रखना जरा, डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, 6 दिसंबर, याद रखना बेटा, 6 दिसंबर 1956 में इनका देहांत हुआ था। भारत सरकार ने इनको 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया था, याद रखना। भारत रत्न इनको कब मिला? भारत रत्न मिला इनको 1990 में, जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा, जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 6 दिसंबर को इनका डेथ हुआ था, इनके लिए इसको महाप्रेरण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना बेटा, 6 दिसंबर को, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, होपफुली आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया गया, ठीक है, और टिक के बैठ जाए करो जरा, ठीक है। 150 थे अभी, 150-200, अब 120, चलिए ठीक है भाई। हाँ, तो ये था आपका होम, मतलब जितनी भी सारी क्लासेस, होमवर्क लिख लो फटाफट। अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है ना, और सबके कमेंट मुझे चाहिए, ठीक है ना। कल से फिर मैं होमवर्क नहीं लेकर आऊंगा, पहले बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। कुंभलगढ़ किला कहां पर है, बामाको किस देश की राजधानी है, सुरराइज स्टेडियम भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है, रोहतांग दर्रा किन भारत के किन भागों के बीच में, दिबांग बांध कहां पर है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, और नकफा किस देश की मुद्रा है, नकफा बताओ जरा, बताओ नकफा किस देश की मुद्रा है, जब तक नहीं पढ़ोगे तो पता ही नहीं लगेगा, पढ़ोगे सर्च करोगे गूगल पे, फिर कमेंट बॉक्स में बताना, जब क्लास खत्म हो जाए उसके नीचे ऑप्शन आता है, जब क्लास दोबारा से देखते हो तो ऑप्शन आता है नीचे, उसमें कमेंट करा दो। सयाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय कहां पर है, ममता बियॉन्ड 2021 किसने लिखी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहां हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गुरु बैच के साथ जुड़ सकते हैं, इसके अलावा जीके जीएस अभी 8 बजे हरियाणा बाई एग्जामपुर के ऊपर, हरियाणा एग्जाम बाई एग्जामपुर किसके ऊपर, कौन सा चैनल, हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर के ऊपर, और ये आपकी पूरी टीम हो जाएगी जिसके साथ आप बैठकर मिलकर बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई आप सब लोगों, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बिल्कुल पूछ सकता है कि सर ये वाली चीज जो है समझ में नहीं आई है, ठीक है।
गया। सर पीडीएफ कहाँ? एट द रेट मेजर साहब पीडीएफ के पेपर, एट द रेट मेजर साहब पीडीएफ। चलिए तो अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथियों।